हेलो लर्नर्स, वेलकम टू प्रैक्टिस कैफे। आज हम कर रहे हैं एज ऑफ चौसर का पार्ट फोर, और इन पार्ट फोर वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमसीक्यूज रिलेटेड टू कैंटरबरी टेल्स। इससे पहले एज ऑफ चौसर पर हम तीन पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उन पार्ट्स को देखना चाहते हैं, उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट एज ऑफ चौसर के नाम से जो बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। एंड पार्ट फोर से हम कैंटरबरी टेल्स के एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट एक्लेम्ड बट इनकम्प्लीट वर्क ऑफ चौसर इज। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ट्रॉयलस एंड क्रिसेड, कैंटरबरी टेल्स, द हाउस ऑफ फेम या ऑल ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैंटरबरी टेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टोरीज वर ओरिजिनली प्लान्ड टू नरेट बाय चौसर। तो चौसर ने कितनी स्टोरीज जो है वो ओरिजिनली प्लान किया था नरेट करने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 120, 90, 116 या 124। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 120। ओरिजिनली चौसर ने 120 स्टोरीज जो है उनको नरेट करने का प्लान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टोरीज वर रिटन बाय जॉफ्री चौसर इन कैंटरबरी टेल्स। तो देखिए, जितनी उन्होंने प्लान की थी उतनी वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। फर्स्ट ही क्वेश्चन में हमने देखा कि दिस वर्क इज इनकम्प्लीट। तो अब हमें ये बताना है कि जॉफरी चौसर कितनी स्टोरीज जो हैं वो लिख पाए थे। ऑप्शंस हैं हमारे सामने 20, 116, 39 या 24। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टोरीज चौसर ओरिजिनली प्लान्ड दैट ईच कैरेक्टर शुड नरेट। तो चौसर ने क्या प्लान किया था कि कितनी जो स्टोरीज है वो हर करेक्टर जो है वो नरेट करेगा। तो ऑप्शंस है हमारे पास 6, 8, 4 या 2। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। दो तो जब वो पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं उस वक्त, और दो आते वक्त। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। सो हमें बताना है कि कैंटरबरी टेल्स जो है वो किस फॉर्म में लिखा गया है। हमारे सामने ऑप्शंस हैं पैरोडी, बी फोक बैलेट, सी मेलोड्रामा या डी फ्रेम स्टोरी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, फ्रेम स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसर बिगेन टू राइट कैंटरबरी टेल्स इन द ईयर। हमें बताना है कि चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखना कौन से ईयर में स्टार्ट किया था। ऑप्शंस हैं हमारे सामने 1385, 1387, 1383 या 1389। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 1387। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच मंथ डिड चौसर्स पिलग्रिम्स गो ऑन देयर पिलग्रिमेज। तो हमें बताना है कि कौन से मंथ में जो चौसर के पिलग्रिम्स हैं वो पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे सामने अप्रैल, जून, सितंबर या मई। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पिलग्रिम्स वर देयर ऑन द वेज टू द श्राइन ऑफ मार्टियर सेंट थॉमस बेकेट इन कैंटरबरी। तो हमें ये बताना है कि कितने जो पिलग्रिम्स थे वो ऑन द वे थे। ऑप्शंस हैं हमारे सामने 31, सॉरी सेकेंड ऑप्शन से इसमें 31 आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है 29, और डी जो ऑप्शन है वो है 28। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द पिलग्रिम्स हैव टू रीच और टू विच श्राइन द पिलग्रिम्स वर गोइंग। तो हमें ये बताना है कि कौन सी श्राइन में पिलग्रिम्स जो है वो जा रहे थे। ऑप्शंस हैं सेंट ल्यूकस एट कैंटरबरी, सेंट एग्नेस एट कैंटरबरी, सेंट मार्क एट कैंटरबरी या सेंट थॉमस बैकेट एट कैंटरबरी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, सेंट थॉमस बैकेट एट कैंटरबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड ऑल द पिलग्रिम्स गैदर टू स्पेंड द नाइट। तो हमें बताना है कि जो सारे पिलग्रिम्स हैं वो कहाँ पर इकट्ठे हुए थे नाइट स्पेंड करने के लिए। ऑप्शंस हैं साउथवार्क इन, बी टबार्ड इन, सी टेम्पल इन या डी सेंट बैकेट इन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, टबार्ड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज बिलीव्ड दैट द होस्ट वॉज अ रियल मैन, हु वॉज द होस्ट ऑफ द इन। तो हमें ये बताना है कि जो टबार्ड इन है उसका होस्ट कौन था। ऑप्शंस हैं हमारे सामने हैरी बेली, हेनरी बेली,
हॉर्नी बेली या हॉरी बेली? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, हैरी बेली। फ्रेंड्स, बहुत ही बेसिक बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो इस पार्ट में दिए जा रहे हैं। जो नेक्स्ट पार्ट कैंटरबरी टेल्स के आएंगे उनमें आपको इन डेप्थ क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज सजेस्टेड फॉर स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट? तो हमें बताना है कि जो स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट है उसको किसने सजेस्ट किया था। ऑप्शंस हैं चौसर, नाइट, हैरी बेली या योमैन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, हैरी बेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम्स द जज ऑफ द स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट? स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट जो है उसका जज कौन था, चौसर, पार्सन, मॉन्क या हैरी बेली? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑप्शन डी, हैरी बेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट पिलग्रिम और स्टोरी टेलर इन कैंटरबरी टेल्स? फर्स्ट स्टोरी टेलर कौन सा था, द यो मैन, द नाइट, द मॉन्क या द पार्सन? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट और द बिगनिंग टेल ऑफ चौसर्स कैंटरबरी टेल इज? तो देखिए, अगर नाइट जो है वो फर्स्ट स्टोरी टेलर था तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट टेल होगी वो भी नाइट्स टेल होगी। सो वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शंस फिर भी हमारे सामने हैं, होस्ट टेल या पार्सन्स टेल, नाइट्स टेल या टेल ऑफ सर थॉपस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नाइट्स टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज कंसीडर्ड द लॉन्गेस्ट टेल इन कैंटरबरी टेल्स? तो सबसे लंबी जो टेल है वो हमें बतानी है, नाइट्स टेल, मिलर्स टेल, द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल या द प्रायरस टेल्स? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, नाइट्स टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल इन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स इज रिटन इन प्रोज? तो हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सी टेल जो है वो प्रोज में लिखी गई है। ऑप्शंस हैं हमारे सामने, प्रायरस टेल, रीव्स टेल, क्लर्क्स टेल या पार्सन्स टेल। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, द पार्सन्स टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंटरबरी टेल्स एंड्स विद द टेल ऑफ? तो हमें ये बताना है कि जो लास्ट या कंक्लूडिंग टेल है वो कौन सी है। ऑप्शंस हैं फ्रैंकलिन्स टेल, पार्सन्स टेल, द मॉन्क्स टेल या द नन्स प्रिस्ट टेल। राइट आंसर इज बी, पार्सन्स टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्चुअल नेम ऑफ द प्रायरस इज? तो हमें प्रायरस का जो रियल नेम है वो बताना है। ऑप्शंस हैं हमारे सामने, ससीलिया, एलिसन, मैडम एग्लिनटाइन या ऑप्शन डी जो है वो है नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मैडम एग्लिनटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेल इज कंसीडर्ड एज परहैप्स द मोस्ट फेमस एंड बेस्ट लव्ड ऑफ ऑल द टेल्स इन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स एंड इज टोल्ड एज अ कॉमिक करेक्टिव फॉलोइंग द सोनोरस सीरियसनेस ऑफ द नाइट्स टेल? तो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और कैंटरबरी टेल्स से UGC नेट, सेट, हर तरह के जो इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको कैंटरबरी टेल्स से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो बहुत ही अच्छे से कैंटरबरी टेल्स को पढ़ना है और फिर MCQs से उनकी प्रैक्टिस करनी है। ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास, द मिलर्स टेल, द क्लर्क्स टेल, द मॉन्क्स टेल या ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, मिलर्स टेल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।